हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए क्लास टेंथ में पार्ट वन, यदि आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट जाइए खोलिए और प्लेलिस्ट में एकदम आगे ही आपको मिल जाएगा, एकदम आगे पहला जो रहेगा वही जाके देख लीजिए, और नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, पक्का है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे चेकआउट कीजिए और तुरंत उसे देखिए। पार्ट वन क्लियर हो गया, देखिए पार्ट टू मैंने कहा था वो पूरा ख़त्म हो गया ना, तो इसलिए कहा था कि जो आपका जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते उसी में के अंदर आ जाते हैं। अब ये छोटा छोटा यानी कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, हीरा क्यों चमकता है, दर्पण का सूत्र बताओ, तो यानी कि इसमें मैं क्या कवर करने वाला हूँ, अति लघु उत्तरी प्रश्न और लघु उत्तरी प्रश्न, ये पार्ट आधे घंटे से ज़्यादा लगभग हो सकता है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, फिर बचता है एक आंकिक प्रश्न का, किसका, आंकिक प्रश्न का, और आंकिक प्रश्न भी आधे घंटे का अगर बना दूंगा गारंटी लेता हूँ, चाहे वो ट्वेल्थ या टेंथ किसी भी क्लास में हो, वैसे तो टेंथ का है लेकिन ट्वेल्थ तक आपको आ जाएगा, मैं ऐसे बता दूंगा, इतना अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो क्या करना है, यदि चैनल पर फर्स्ट विजिट किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाए, क्योंकि क्लास टेंथ और ट्वेल्थ की ज़बरदस्त तैयारी आपके इस चैनल अतुल स्टडी सेंटर में कराया जा रहा है। हर एक सब्जेक्ट की बारीकी से तैयारी कराई जा रही है, सब कुछ बारीकी से बताया जा रहा है और आपको एग्जाम में फोड़ कराना है, ये मेरी कामना है। चलिए आज का जो वीडियो है मैं ये स्टार्ट करता हूँ। दिया गया है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों, तो प्लीज़ पार्ट वन जाके विजिट कीजिए और देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए आकाश का रंग नीला क्यों, अगर एक नंबर में आ जाता है तो लिख देना आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के एक द्वारा, किसके द्वारा, प्रकाश के प्रकीर्णन। अब प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है ये पार्ट वन में बताया था, तो इसमें नहीं बताऊँगा, क्यों, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा इसलिए, ठीक है ना। जो पढ़े होंगे उसको तो कहेंगे भैया क्यों बताया, इसी रीजन्स बस और कुछ नहीं। देखिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों, यानी कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो लिखिए नीले और बैंगनी, किसका अधिक होता है, लिखिए नीले और बैंगनी, चलिए इसको लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए मैं इसको लिख लिया आराम से बारीकी से, अब मैं इसको समझाऊँगा, रटना नहीं, इस चैनल पर आपको समझना है सिर्फ। देखिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों, यानी कि जो आकाश का रंग है वो नीला क्यों होता है, आप सब देखते होंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो यदि आप प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन वैसे भी मैं बताया हूँ और उसमें पार्ट वन में भी बताया था मैं। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन में सबसे ज़्यादा जो होता है नीला और बैंगनी रंग का प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा अधिक होता है, समझ में आया ना। तो ये क्या होता है, और बैंगनी रंग जो है चारों दिशाओं में फैल जाता है, जब भाई बैंगनी रंग को मैं कलेक्ट करूँगा तो ये चारों दिशाओं में फैल जाएगा, और जो ये फैलता है तो एक मिश्र रंग बना लेगा, और इसी मिश्र रंग के कारण जो होता है आकाश में रंग नीला दिखाई देता है। फिर से देखिए इसको, आप अपने हाथ से बंद कीजिए वीडियो को और अपने आप से बोलिए, कहिए कि पहली बात तो ये अब यही मेन है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन, ये किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो सभी रंग होते हैं ये सभी रंग से अधिक होता है प्रकाश का प्रकीर्णन इसका, इसीलिए ये चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। अब जो चारों दिशाओं में फैल जाएंगे तो मिश्र रंग एक बन जाएगा, और इसी को कहते हैं कि आकाश में रंग नीला दिखाई देना। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ आपको और पता होगा कि हीरा क्यों चमकता है, हीरा क्यों चमकता है, तो इसमें मेन चीज़ ये है कि हीरा जो होता है अगर उसमें जब प्रकाश आया तो उसका जो क्रांतिक कोण होता है, यही चीज़ इसमें मेन है कि क्रांतिक कोण उसका कितना होता है, 24 अंश होता है। इसीलिए देखिए जो प्रकाश होता है वह किस तरह, आपको अगर देखिए जब सुबह होता होगा तो एक छोटे छोटे कण के रूप में प्रकाश आपको दिखाई देते होंगे, दिखाई देते हैं ना कहीं जाली के पास, मतलब छोटे छोटे जो कीटाणु के रूप में दिखाई देते हैं ना, वही चीज़ है जैसे उजाला हुआ सुबह तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखता होगा, इस प्रकार से बारीकी से छोटा छोटे दाने उड़ रहे हैं जैसे कुछ ऐसे कुछ दिखता होगा। तो जब प्रकाश है अगर फूटे हुए शीशे पे पड़ता है या हीरे पे पड़ता है तो क्या होगा, तो प्रकाश उसके अंदर गया तो 24 अंश उसका जो है क्रांति कोण क्या होता है, 24 अंश होता है, तो क्या करता है भैया उसी में लपेट लपेट के तुरंत क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, यानी कि उस पार नहीं हो पाता। जैसे बारीकी से हम समझते हैं, जैसे आपके घर पे दीवार होगा चाहे वो कच्चा हो या पक्का हो, लेकिन अगर वो चारों तरफ से पूर्ण रूप से बंद है तो क्या उसके अंदर प्रकाश जाएगा,
तो आप सब क्या कहोगे कि जाएगा भाई आपका छः दो करके, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर मान लेते हैं पूर्ण रूप से वो बंद है एकदम अच्छी तरह से, उसमें गोखो का कुछ भी खिड़की किसी प्रकार से गेट वोट नहीं है, पूर्ण रूप से बंद है तो उसमें प्रकाश नहीं जाएगा। वैसे है समझ लो हीरा, और हीरा के अंदर जाएगा और हीरे के अंदर रह कर वो बाहर नहीं निकल पाएगा। सपोज दैट एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। लेकिन जो आपका रूम है, रूम के बाहर क्या रहेगा, प्रकाश चारों तरफ रहेगा। जैसे ये मान लेते हैं रूम हो गया छोटा सा, इस रूम के प्रकाश चारों तरफ रहेगा लेकिन इसके अंदर नहीं जा पाएगा। समझ में आया ना? तो हीरे के अंदर रहेगा लेकिन उसके पीछे नहीं जा पाएगा। समझ में आया क्या मैं कह रहा हूँ? तो वही चमकने लगता है। तो वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ और लिख कर तब मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, ये मेरी हर एक प्रयास है। चलिए आप देखिए, हीरे से जो चीज़ मैं आपको बताया अभी जस्ट पहले, वही चीज़ इसमें लिखा है कि हीरे, देखिए जल्दी जल्दी लिखा हूँ, सॉरी, इसलिए कि अभी और सब्जेक्ट आप सबका पढ़ाना है, मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, और सब्जेक्ट के बारे में बताना है, तो इसको देखिए लास्ट तक ना। क्या कह रहा है? हीरे से वायु में आने वाली किरणें, यानी कि जो हीरे से वायु में आती हैं किरणें, का क्रांतिक कोण बहुत कम, कितना होता है? 24 अंश होता है। जब बाहर का प्रकाश कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है तब उसके भीतर बार बार पूर्ण परावर्तित होता है। क्या होता है? पूर्ण परावर्तित होता है। तो आपतन कोण 24 अंश से कम हो जाता है, तब प्रकाश हीरे के से बाहर आ जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? हीरे का चमकना। मतलब जो बताया मैं वही चीज़ में लिखा है कि जो हीरे का क्रांतिक कोण होता है, जो उसके अंदर जब जाएगा प्रकाश तो उसका क्रांतिक कोण 24 अंश रहता है वो भैया, और कम हो जाता है घट के। जैसे कोई कोई डरता नहीं, अगर चोर आ गया तो उससे कुछ कुछ लोग डर जाते हैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा, जो भी होता होगा। तो वैसे भी है, इसके अंदर अगर गया तो क्या होगा, और स्लो हो जाएगा, और कम हो जाएगा, इसका जो परावर्तित किरणें रहेंगी वो और कम हो जाएगा, यानी कि 24 अंश से भी कम हो जाती हैं, ठीक है ना। अब देखिए, मुझे उम्मीद है ये आपका पूर्ण रूप से लेसन ख़त्म हुआ। दो मैं आपको फार्मूला बताना चाहता हूँ, चलिए बताता हूँ। देखिए एक चीज़ आप सबको बताना मैं भूल गया, रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन क्या होता है, ध्यान समझिएगा। रेखीय आवर्धन बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताने वाला हूँ। रेखीय आवर्धन क्या होता है? जो वस्तु की लंबाई, देखिए पहले लिख देता हूँ, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर क्या होता है? वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई उसमें बताया था पार्ट वन में, एक बार फिर से मैं सोचा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर पूछ लिया तो ऐसे लिख देना, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई। अब ये ध्यान दीजिए आप कि प्रतिबिंब की लंबाई किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से, और वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन जो आता है इंपॉर्टेंट, अब ले रहा हूँ छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध। अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध, इसमें संबंध पूछता है। तो फॉर्मूला मैं नहीं बताया था तो याद देख लीजिए। तो 1/F बराबर क्या होता है? 1/F बराबर 1/V धन 1/U। इसी पे आधारित सभी क्वेश्चन इसमें लगेंगे, ठीक है ना। तो 1/F बराबर क्या हो गया? 1/V धन 1/U। क्लियर समझ में आया? अब F क्या है? F हो गया आपका फोकस दूरी। अब V क्या है आपकी? प्रतिबिंब की दूरी। और क्या बच रहा है? U बच रहा है। क्या U? U क्या होता है? देखिए ध्यान से, वस्तु की दूरी। अब ये सब आप कन्फ्यूजन मत हो जाना कि O क्या होता है फिर। तो O जो है वस्तु की लंबाई होता है और U जो है वस्तु की दूरी होती है ना। अब अगले पेज में चलते हैं और इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट है सब कुछ, देखते चलो बारीकी से, आधे घंटे का लगभग वीडियो होने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, मैं अगला क्वेश्चन अब लिख रहा हूँ। जैसे आगे आप फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र बताइए। किसमें? फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में, किसमें? वक्रता त्रिज्या में सूत्र लिखिए। तो सूत्र क्या होता है? देखिए मैं बता रहा हूँ,
एफ बराबर क्या होता है, आर बाई टू। आर इस देखिए एफ क्या हो गया आपका पता ही है, फोकस दूरी होता है गोलीय दर्पण की, क्या होता है फोकस दूरी। तो लिख दीजिए वो एफ बराबर फोकस दूरी, और आर क्या है आपका त्रिज्या है, और टू रहेगा ही। तो याद कर लीजिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, देखिए इसी प्रकार से मैं आप लगातार मेरे साथ बने रहें और इसी प्रकार से मैं बताता हूँ। अगला क्वेश्चन लिखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है। अगर आ गया बाई चांस आ गया कि किस रंग के लिए, लिखिए किस रंग के लिए, क्या है किस रंग के लिए प्रकाश के लिए, या किस रंग के प्रकाश, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक, ध्यान रखना अभी यही बताया हूँ थोड़ा देर पहले, अपवर्तनांक देखिए क्या है अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। देखिए किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो किस रंग के लिए होता है कांच का अपवर्तनांक बताइए जरा, किस रंग के लिए प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक पता है ना, बैगनी, बैगनी ख्याल है ना, ठीक है। देखिए मैं बताया था कि हीरा के बारे में, तो वही चीज़ था इसीलिए ना बैगनी रंग के लिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, देखिए आराम आराम से बता रहा हूँ इसमें ना, अगला क्वेश्चन आ जाता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपवर्तनांक यन। देखिए राइटिंग पर विशेष गौर मत कीजिएगा, क्या है अपवर्तनांक यन तथा क्रांतिक कोण से, तथा क्रांतिक कोण से में संबंध। एक फॉर्मूला आपको पता रहा होगा कि क्रांतिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, क्रांतिक कोण का फॉर्मूला होता है n = 1/sin c। इसको याद कर लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक नंबर में आपको बाई चांस पूछ सकता है। एक चीज़ और, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगले क्वेश्चन ऐसे बढ़ते चले जाओ। देखिए एक चीज़ और था, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, जल्दी बताओ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, नीला क्यों होता है बताओ जल्दी, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, प्रकाश के किस लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण किस लिए होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। क्लियर है ना, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हो, ये क्लियर हुआ ना। अगला क्वेश्चन लिखते हैं अब, देखिए ध्यान दीजिए, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, मैं बताया था कि प्रकाश के प्रकीर्णन कारण, एक नंबर में पूछता है ये वाला, जरूर याद करके ही जाना आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन मैं उठाया हूँ फोकस दूरी, अगला क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल संबंधी ये समझ लो, फोकस दूरी यफ, ध्यान में रखना फोकस दूरी यफ एवं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर में संबंध बताओ, आर के बीच संबंध जरा बताओ कौन सा होगा सही। अभी मैं बताया था यफ बराबर आर बाई टू, तो देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, मैं आपको ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ, लेकिन बताना किसको है आपको बताना है। ये पहला ऑप्शन रहा यफ इक्वल टू आर, ये पहला ऑप्शन रहा, और दूसरा ऑप्शन है यफ इक्वल टू एक बटे आर, सॉरी आर, और तीसरा ऑप्शन है टू यफ इक्वल टू आर, और चौथा ऑप्शन क्या बनता है आपका यफ बराबर टू आर। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए आप। देखिए ये होगा तीसरा, कैसे देखिए ये तो बनेगा ना यफ बराबर आर, क्लियर, यफ बटे एक बटे आर में दो है ये नहीं है, देखिए यफ या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। अब देखिए क्या बनेगा, क्या होता है फॉर्मूला, यफ बराबर आर बाई टू होता है ना, तो यहाँ से आर का वैल्यू जब निकालेंगे तो टू इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान से समझिए टू एफ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू एफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा आर का वैल्यू टू एफ हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ऐसे पूछ भी सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले पेज में
देखिए जो आपका वैकल्पिक या अति लघुत्तरीय प्रश्न था मैं इस वीडियो में कवर कर लिया। अब इसके आगे मैं नहीं समझता कि इसके आगे बताना चाहिए, क्योंकि मैं आपको उतना बताना चाहता हूँ जितना आप चाहते हैं पढ़ना, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट जितना रहा इसको मैं आज कवर कर दिया। देखिए मैं आंकिक प्रश्न अगले वीडियो में बनाऊंगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो बोरिंग महसूस करते हो, और वो भी 20-25 मिनट का वीडियो बनाऊंगा। सॉरी जो आपको बोला आधे घंटे बनेंगे, इसलिए सॉरी बोलता हूँ आप सबसे। और ये यहाँ तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। और मैं जल्दी न्यूमेरिकल कल से यानी कि अगले दिन से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करिए और जल्दी अपना नोट्स पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।